रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइम ब्रदर टीवी मुबारक जी, ताड़ी खिदमत च हाज़र। नाज़रीन साडा चैनल नाइम ब्रदर टीवी सबसक्राइब करो ताकि आने वाले प्रोग्राम मिलते रहन। अज साडे बहुत ही प्यारे दोस्त ने, इन्हां दा दो प्रोग्राम कल पहले कर चुके हैं सी, अज तीसरा प्रोग्राम है ते चलने आ अपने दोस्त को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हाँ जी, मैं क्या टाइम नहीं जाया करते, प्रोग्राम शुरू करने हैं। तो तुसी यो दस्या सी कि वालदा ने फिर अपना तुहानू कहा कि तुसी अहमदीयत जिहड़ी कबूल की थी छड़ दिओ, उहदे लई की कीता फिर वालदा ने? जी वालदा ने पहला तो जिस्मानी तौर पर काफ़ी तशद्दुद वगैरह करते रहे जी जी जो दिल करता सी जी जी जो मतलब मेरे को किताबा खोल लेनिया जो मैं जमात से पढ़ते सजा कुरान शरीफ पढ़ जाऊँ ना तो वो खो लेना जी जी ते मैं फिर दरवाजा बंद कर दिया कमरा जिससे मेरी एक कमरे तक मैं महदूद सा जी जी उस बार घट ही निकलता सा जी जी वो नमाज भी पढ़ते थे मैं छुप छुपा के पढ़ने करने की तेरे मैं व्यस्त नहीं रहे ते काफी सख्त मुखालफत ना उन्होंने जी फिजिकल जी जी जिस्मानी ते जबानी जबान तो भी काफी जी गंदी बदवा गाल देंगे सुन जी जी ते फिर उन्होंने देखा गया इतने बाद आता उन्होंने फिर मौलवी साहब ने साढ़े रहे बंद जारी मेरे सुनाई चाचे ने उसके साढ़े कर्मी इन्होंने को काफी पैसे लगा से महीने देना जीफा वगैरह लेना वैसे भी इन्होंने बुलाया बुलाया करना अगे भी आम जाना आया मेरे ना भी सलाम दुआया क्योंकि मेरे को कम शाम उन्हें गुआ रहा कि मेरे को मसल मसायल ने दुनियावी मामलात में ना मैं कुछ काम को कर छता हाँ उन्हें ना आख्या उन्होंने आया तो मैं ना मेरे वालदा लै गया को कमरे च बैठक च कुछ देर बाद आता जी तुम बहर जाओ मैं बहर निकल गया तो अम्मी आंदा मेरे वास्ता कम नहीं अच्छा। मैं जनाब जो ना इन साढ़े जो हथ पिंड बहुत गुलमान ने चनेर तो जी जी इस काम के माहिर ने जो रास्त हट जाते हैं गुमराह हो जाते हैं ना जिन्हें छड़ देते हैं उन्होंने वापस और लै आते हैं मुसलमान कर देंगे क्योंकि काफर पक्का हो गया मेरे वास्ता कम नहीं मना कर गया चला गया दिन गुजर गए मैं भी अपने मामला जिंदगी उस तरह गुजारता रहा दफ्तर जाना गड्डी भी ड्राइवर तो है मेरे को है सी वो तो ड्राइवर ने मेरे को जवाब नहीं दिता करता से हले मेरे ना नौकरी ना जी जी ते वो ना एक दिन मैं फोन आया उन्होंने मौलवी साहब ने सा पिंड उन्हें कहा जनाब तुम ना तो काम है मनो मैं कहा जी हुक्म करो मनो आया कि कोई फिर कोई काम होना है दुनियावी को मैं कहा जी मैं कर सकता तुम हुक्म करो मैं तो सुन रहा यह नहीं मस्जिद चाहो जी जी मैं कहा मस्जिद जाओ है रे तुम मैं कम दसो जो कम है जी जी नहीं मस्जिद जाओ तो ना मुलाकात करानी है मेहमान आए जी जी मैं अच्छा चलो मैं आ जाना मैं ना अपने दफ्तर मेरे राह ही मिला राह सी दफ्तर वाला उधर तो उत्ते मस्जिद सी कुछ ना गज के फासले दे मैं दफ्तर जाते जाते ना मैं उन्होंने मुंडे को कहा मैं ब्रेक ला मस्जिद काज कार्य साहब ने बुलाया मैं पूछा कि है कम तो नहीं मेरे न मैं कहा तू ना गड्डी बच्ची पै तू बाहर आई मैं जो फोन करा ना वो तो अंदर आना है आंदा ठीक है मैं कहा बस गड्डी जी ना दरवाजे अगे रखनी है स्टार्ट कहना ठीक मैं ना चला गया तो अंदर ना एक मस्जिद के नाल के हुजरा जहा बनाया अच्छा। पहला तो मेरा मस्जिद जाना बनाया सी वो मौलवी साहब ना अपना उसे बह के पढ़ते पुढ़ते सन किताबों कुतबा जो भी बच्चे पढ़ाते पढ़ाते सन मैं वो उत चला गया उत जनाब फरे तकी जनाब एक माशा एक मौलवी साहब बैठे काफी सेहतमंद सन माशा ना हाँ जी वो तके बैठे थे कार्य साहब उठ के खलोए उन्होंने मेरा है सी दुनियावी वजाहत जी ना मेरी जी साड़ी जी है सी उस तो भी है सन काफी ना मतलब हाइफ कह लो या मरऊब सन हाइफ नहीं मरऊब एडी खुलम खुला उन्होंने जरूरत नहीं होंगी कि मुखालफत करते जा मतलब मेरे सामने कोई ऐसी गल करते अपना जो कार्य सोच के फ्लो गया मस्जिद वाला जिला से दूजा बैठा रहा
अच्छा बारह सीधा वो सीधे हो गए और कहते नहीं अब वो असलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ही हुई। पहले तो बंदा चुके थे मैंने मैं सलाम लेते थे मैंने जवाब ही नहीं देना मैं चुप ही रहा उन्हें सलाम खैर उन्हें सलाम पहला ले ली क्या सलाम वालेकुम मैं कहा अच्छा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैं तो कॉल बह गया। लो जी 2 3 4 मिनट ना बिल्कुल खामोशी रही। अच्छा उन्होंने कमरे का हुजरा सी ना छोटा जो कमरा सी उधर मंजर सी ना वो पता किस तरह का सी एक जी जी पासे मौलवी साहब बैठे ने वो हथ में बहुत स्पेशलिस्ट जो जी के मंगवाए गए इस शहर तो जी एक जी पासे कारी साहब बैठे ने दोनों माशाल्लाह बड़े सेहतमंद सन चंगे मोटे तौरा काफी मोटियां सन अच्छा जो तौरा भी इन मोटियां कि फेरियां मशहूर हो गई सन उन्होंने दोनों जी इधर उधर बोलना उन्होंने मसाल कितना ध्यान तुम आप समझ गए हो गए हो सन जी फिर जो 8 10 मुंडे जो स्टूडेंट सन या उन्होंने जो किराए देते हैं रौला पाने खप्पा ले वो भी नाल वो सन नाल सन हाँ जी 8 10 मुंडे 12 13 है सी गिनती मनो पा अच्छा के चलो 14 कर लो जी उन्होंने दो अच्छा फिर भी उन्होंने जरूरत से हो रही कि मनो पूछते कि गल करते उन्होंने दिल से कि यह गल शुरू करे ठीक मैं देखा कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट गुजर गए ने ये बोलते नहीं ये मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं मुझे बैंक दफ्तर जाना है। जी मैं कह कर सब खैर सी आया सी हुक्म करो मैं आ गया जी वो आखे कि इन्हें घरों में अगर मैं पलना इन्हें घरों मेरी दारू उठी चल जाए तो ये मैं नाराज हो गया तो ये दिल करे थे वो डरे भी चुप कर रहा मैं कहा मोल साहब हुक्म करो कुछ दीनी काम है कि दुनियावी काम है मैं चुप जी की गल ना आंदा नहीं दीनी काम नहीं दुनियावी काम तो खैर कोई नहीं दीनी काम से कौन बुलाया अच्छा अच्छा, दीनी काम से बुलाया मैं कहा दीनी काम फिर दसो हुक्म करो शुरू करना दीनी काम नहीं कहता जी आज ही जाने के मुसलमान हो चुके मैं कहा बस इन्हें काम से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हाँ मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हाँ मैं जी कहा जी बस मुसलमान हो गया अंजामा कहते नहीं 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 तुम साड़ी गल नहीं समझे अच्छा असं तो आ रहे कि तुम ना जरा मनते हो इमाम मेहदी उन्होंने मना छड़ दो तो ठीक फिर मुसलमान हो गए। अच्छा मैं आख्या गल सुनो मौल साहब मैं उस इमाम मेहदी ने मना छड़ दिया हाँ जी जिसे मन का हुक्म मेरे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि 14 साल पहले फरमा गए ने वसल्लम जी कि तुहानू जरा हुक्म आया फरमाया सी कि ओला मस्जिद मस्जिद का जमाना आएगा तो आला जरा मौजूद होया उस दौर च जी उन्होंने हा बर्फ के टीलिया से बर्फ गुडनिया के बल किसर के जाना पवे वो जाए जी बर्फ के तोद्या से उस लंघ के गुजर के गुडनिया के बल यानी कि बेशक जिनी मर्जी मुश्किल मुसाफत मतलब है कि जिनी मर्जी मुश्किल उन्होंने राह हायल होन सफरी जी की दूजिया की सारिया वो दरेक ना करे गुरेज ना करे किसी किस्म का वो जाके उन्होंने मिले उन्होंने मेरा सलाम पेश करे और वो बैत करे। जी मैं कह कि ये आ हजरत सलम का फरमान मुताबक सल्लल्लाहु मैं बैत की है इन्होंने मनिया है पहचान के शनाख्त करके मनिया है जी ते मैं थोड़े कहने किसा करते मैं कह मेरा तो मिर्जा गुलाम अहमद कोई ब्लड रिलेशन नहीं नहीं सी ना मेरे कोई चाचे लगते सन ना कोई मेरे मामू लगते सन मैं वैसे मिसाल दिखती तौर पर मैं कह मेरे मैं अपने आका और मौला जी का मकदमा पढ़ के सुनाया मैं तो उन्होंने हुक्म मनिया है जी उन्हें जे वाबस्ता सन निशानियां अलामत वो भी दसिया ने मैं जी उन्होंने भी पहचान अल्लाह के फजल वो पहचान के तो मैं इन्होंने मनिया जी कहते मैं छड़ दिया दसो जी मनो कहते नहीं नहीं वो ना कि नाले झूठ मैं नौज मजाले झूठा सी वो कह रहा है मतलब मैंने बाद फसल मेरे जबान तो भी ना दिल नहीं जी करता मैं जबान तो दोबारा दोहरावा क्या मजबूरी ना दोहराने पे देने जी कहते जी झूठा सी उन्हें झूठा दावा किया मैं क्या करूँ मतलब मोल सा बिल फर्ज है वो फर्ज है महाल अगर मैं अगर झूठा भी सी ना तो तुहानू मरोड़ नहीं उठने चाहिए थे हाँ बिल्कुल तुहानू मरोड़े दे नहीं उठने चाहिए मैं कहा तुम कुरान की आयात की सही हला फर्ज कर रहे हो तुसी खुदा दे हुक्म दी सही क्योंकि यह मामला अल्लाह तला ने अपने हाथ से लिया होया है। जी मैं बस सूरत खाका रही बड़ी मशहूर आते से जो इन्होंने पढ़ के सुना अक्सर इन्होंने दसने जो इन्होंने बहस करना या कोई जी जी मुनाजरा होंगे तो वो मैं फिर ना उन्होंने वलाओ तक आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वलाओ तक कवल अलाइना बाज़ल अकावील जी ला हज़ना मिन हुबिल यमीन सुमा ला कताना मिन हुबिल वतीन हमा मिनकुम मिन अहदन अनहु हाजिज़ी
अल्लाह तला साढ़े सईद मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि अगर ए भी मेरे बारे एक भी झूठा इल्हाम सुब करता मैं इन रगे गर्दन तो पकड़ लेना सी मैंने ये हाथ सुखड़ लेना सी मैं ये अगे गर्दन जी कट देनी सी जी जी थोड़े तमाम इंसानों में मिल के भी इनू मेरे अजाब तो मेरे मेरी पकड़ तो बचा नहीं सकता अगर एक भी झूठा इल्हाम सुब करता मेरे वल से जी जी मैं क्या यह रखे है क्राइटेरिया अल्लाह तला ने ना मदई इल्हाम का जो होंगे सच्चे नबी का जी जी कि अगर वह खुदा वाल झूठे इल्हाम महसूब करे वह जब तक बच नहीं सकता जी अल्लाह जी तला के कहर तो पकड़ तो जी जी मैं क्या हाँ हजरत असलम मैंने उन्होंने अल्लाह तला नुहास तो वैर सी नौजवान जाले चो उन्होंने बारे तेरे सख्त लफज ने जी जी मिर्जा गुलाम का जैन मुसलसल 30 साल तक दिन रात अल्लाह तला वाले झूठे इल्हाम महसूब बिकॉज थोड़े झूठे इल्हाम महसूब करते रहे तो बच जाए तो और जमात भी शब रोज दिन रात तरक्की करते रहे दुनिया से फैलते चले जाए की ख्याल है कि हाँ हजरत से बस अल्लाह तला का इंतबा सी है और किसी नहीं सी जी जी अकलमंद जी इस गल मौल साहब अकलमंद जी इस गल और बच जाएगा जो खुदा तला ने एक क्राइटेरियम कर छड़िया होया है एक हाँ बिल्कुल मयार बना मुकर कर दिता है जी उस जी मयार परखो अगर झूठा वैसे तो वह तो खत्म हो जाता उदो ही जी अपने जी मौत मर जाता जमात जारी बिखर जाती मत फर्क मैं कह कहता जी हाँ झूठे हाँ जी अगो अगो अच्छा अगो बजाय से कि थोड़ा जहाँ कुछ शर्म महसूस करता उन्हें ना जी बोधी जी दलील बड़ी थकी जी वो मेरे के नक्श कहता जी हाँ जी उन्होंने सजा मिली सी ना अलमारी किताब ला लगा सी स्टूल से खड़ो गया ना स्टूल से थले डिग गया दया हाथ जरा ना दया हाथ वो टुट गया सी जरा सो जरा तेरा तुझे करो जरा सुनने वाले जरा तुझे कर कैसे यदि तशरी कर रहा है शायद ना कि सज्जा हथ टुट गया सी तो फिर ना हथ का काम नहीं सी करता सारी जिंदगी फिर टुटे गया मैं क्या मौलवी साहब हथ टुट जाना हड्डी जुड़ जाए टुट हड्डी अगर टुट भी जाए तो जुड़ जाती है ये सलाम जी एडे वे जुर्म की मैं क्या मौलवी साहब की कि गल करते हो एक बंद ने अपनी लखा की जमात बना ली हुई है वो दिन रात अल्लाह के झूठे इल्हाम महसूब कर रहा है और सवेरे उठ के छाप भी रहा है इश्तहार ला रहा है पूरी दुनिया से सिर्फ अल्लाह तला यह सलाह दिता कि वह अलमारी तो किताब लाता पाया स्टूल चढ़ के तो फिर डिग पे तो हाथ टूट जाता है दाएं हाथ मरा सिर्फ जिसमानी सारी हाथ है मैं क्या तेरी अकल कम करती कि नहीं करती कि सिर्फ एक सज्जा हाथ जरा जरा जिस कुरान जिक्र है दाएं हाथ मैंने पकड़ लिता इस मराद दाएं हाथ मरा दिता है मैं क्या अल्लाह तला जो हाथ जगह कर रहे हैं वो ताकत की आरामत होंगे सज्जा हाथ ना सज्जा हाथ सारे काम सज्जा हाथ करने खबा से घट इस्तेमाल करना वो वक्त जरूर इस्तेमाल करने सज्जा ताकत की आरामत मर्द की इंसान की किसी भी इंसान की वो ताकत तो मुराद है कि जरा जत्था है ग्रोह है जो इन्हें अपने नाल लाया है ये असल ताकत है मैं उन्होंने तबाह कर देंगे उन्होंने मत फर्क कर देंगे और मैं इन्हें तो दूर कर देंगे बरगश्ता कर देंगे उन्हें छट छुट जाएंगे इकला रह जाएगा नकाम नामराज होकर मर जाएगा अपने मुताब ए आँगी मैं सलाह खैर चुप यह सुन के ना चुप कर गया मैं क्या मौलवी साहब काश थोड़े चो एक ऐसा शख्स हों जरा कि फिरौन के दरबार च मौजूद सी जो मूसा अलैहि सलाम अल्लाह तआला के हुक्म के तहत फिरौन के दरबार च गए उन्होंने दावत दी कि ए फिरौन तू बनी इसराइल मेरे वल नल टोर दे तू इन्हें जुल्म ना कर मैं इन्हों खुदा वाल लैके जा रहा जावगा इन्हें हजात देंगे हम अल्लाह ने नबी बना कर लिया है तेन मैं हजात तरफ आम की दावत दिना फिरौन कहा चढ़ गया उन्हें कहा तू मेरी इजाजत तो बगैर इन्हों मतलब तू इन्हों खुदा दी वाल लैके जाएगा खुदा तो मैं वा तेरी जरूरत जरूरत किस तरह है कि तू मेरे सामने गल की मेरी इजाजत तो बगैर तू कि खुदा की गल कर रहा खुदा तो मैं वा मैं तेन छड़ा मैं तेन सलाह देंगे तेना सलाह मौत देंगे बल्कि करीब से कि वह मूसा सलाम के बारे एक हुक्म जारी कर दते उस फिरौन के दरबार के पार्लीमेंट जिस तरह साढ़े पार्लीमेंट है समथिंग लाइक दैट उस तरह की कोई है सी ओ पार्लीमेंट जी जी मेरी गल फॉलो कर गए हो जी हाँ जी हाँ जी उस पार्लीमेंट उस फिरौन की पार्लीमेंट के एक बंदा उठाया वो मूसा सलाम से ईमान रखता से लेकिन छुपाता से जी जी सूरह अल मोमिन आयत नंबर 29 अल्लाह तआला का जिक्र फरमांदा है
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨਿ ਰਜੀਮ, ਵਕਾਲਾ ਅੱਲਾ ਵਕਾਲਾ ਰਾਜੁਲ ਮੁਮਿਨੁਨ ਮਿਨ ਆਲਿ ਫਿਰਾਉਨਾ ਯਕਤਮੁ ਇਮਾਨਹੁ ਯਕਤਮੁ ਇਮਾਨਹੁ ਅਤਕਤਲੂਨ ਰਜੁਲਨ ਅਨ ਯਕੂਲ ਰਬੀ ਅੱਲਾਹੁ ਜੀ ਜੀ ਫਕਦ ਜਾਅਕੁਮ ਬਿਲ ਬੈਯਿਨਾਤਿ ਮਿਨ ਰਬਿਕੁਮ ਮਨ ਜਾਅਕੁ ਕਾਜ਼ਿਬਨ ਫਅਲੈਹਿ ਕਾਜ਼ਿਬੁ ਜੀ ਜੀ ਮਨ ਜਾਅਕੁ ਸਾਦਿਕਿਨ ਯੁਸਿਬਕੁਮ ਬਾਜ਼ੁਲਲਜ਼ੀ ਯਅਇਦੁਕੁਮ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਹਦੀ ਮਨ ਹੁਵਾ ਮੁਸਰਫਨ ਕਜ਼ਾਬ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਆਲੇ ਫਿਰਾਉਨ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਥਾ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਛੁਪਾਤਾ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਲੋਗੋ ਕਿ ਤੁਮ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਤੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਝੂਠ ਕਾ ਵਬਾਲ ਉਸੀ ਪਰ ਪੜੇਗਾ, ਅਗਰ ਵੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਕੀ ਹੋਈ ਬਾਦ ਅਨਜ਼ਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹੱਥ ਸੇ ਬੜੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਭੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਚ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰਾਉਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵਬਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੌਲਵੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਕਵਾ ਦੇ ਰਮਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਉਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸਾਬਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਤਕਵਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਜਿਨਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲਦਾ ਜਹਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਜ਼ੂਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਊਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹ 52 ਲਾਉਂਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 52 ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਉਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗੰਦਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬਜਾਇਸ ਤੇ ਕਿ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹਦਾਇਤ ਫੜ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋ ਗੁਲਾਮਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਾਫਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਿਫਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਲਾ ਗੁਲਾ ਚਲਾ ਗਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਬਾਦ ਰਹਿਮਾਨ ਲਾ ਜਿਨਾ ਜਮ ਸ਼ਵਨਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਉ ਨਾਉ ਵੈਦਾ ਹਤਬ ਅਬ ਮੁਜਾਹਿਲ ਲੁਨਾ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰ ਆਇਸਗੀ ਸੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਮੁਤਾਨਾ ਸੇ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਬ ਜਾਹਲ ਉਨਸੇ ਮਹੱਤਵ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਅਗਰ ਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਬਲਕਿ ਉਨਕੋ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਚੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਅਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਪਿਛਾ ਕੱਢੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ,
जी स्पेशलिस्ट मौलवी। ऊपर उस बाद उस मौलवी ने ना खुलम खुला मेरे को कुफर दे फतवे तकफीर दे वाजिबुल कतल दे मुर्तद दे मेरा बाइकाट करन दे। उस बाद है मैं ड्राइवर से ना मुड़ा बड़ा चंगा सी हो एक जरा डर गया गरीब करता सी इन्हें जी जो कहानी सी वो फिर मेरे गले चाबी रख गया। दोस्त यार जी सर मेरे वो भी डर गए सारे ये से वरन काफर हो गया है ये मौलवी साहब ने पता लाता है जनाब दार सलामत भी हर्ज हो गया है नारा बल्कि मुर्तद भी हो गया है उल्टा उस नाम से वाजिब कत्ल भी हो गया है सब ना कुछ कि हो किसी गया। ना किसी ने मारे जाइए सारा कुछ हो गया। तो फोन रहना वो मुड़े सारे लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्तों फिर किसी गए रात लंघ दे आमदे आ फिर बैठ के चूरा पर समझाना करना। फिर भी मैं फिर देखिया ना कि मेरा मतलब कि ना लेता है इसे गुजारा नहीं है ना जी। जी मैं फिर उस फिर जी हिजरत कुछ कर ली। अरसे बाद तीर्थ कर गया से अच्छा और अल्लाह के हूँ ये दसो हुक्म मुताबिक अपना रबता शाबता है कोई पुराने दोस्तान कुछ ऐसा तो नसीब होया लेकिन फिर ऐसा ऐसा जो मैं दोबारा पिंड जाने लग पाया कभी ठीक ग्रा गली लंघ दे आंदे कभी मेला पा लेकिन वो गर्मजोशी जी थी ना पहली वो वाली खत्म होगी तो वो खत्म हो गई सी। लेकिन हूँ मनोज की परवाह कौन सी मनोज की जी कोई परवाह नहीं थी। मैं कह ये अपने इंसान करेंगे जो असि कलकठे रल के बह के पुठे काम करते सवारा गर्दी करते सर इधर भजना फिरना कारा च बह के सैर हाँ जी सपाटे करने सिगरटा सिगरटा पीनिया पार्टियां खानिया उदो बड़े खुश सन। हूँ मैं कोई हदायत की गल सुना इन्होंने कन्न बंद लगते हैं कि मेरी आवाज़ बहरे कन्ना से पीनिया ने जी मैं फिर काफी मायूस होकर ना उन्होंने तो फिर मैं उन्होंने फिर मैं लिसन मिलता फिर अच्छा तो कोई होर मैसेज साढ़े नाजरीन नू काफी माशाल्लाह अच्छे तरीके ना तुसीं तफसील ना दस्सिया। मैं नाजरीन फिर यही गुजारिश करांगा खुदा का वास्ता फिर देख के गुजारिश करांगा कि तुम खुदा का वास्ता है इन्हें मौलवियों से अखा बंद करके यकीन ना करया करो जी आप भी कुछ ठीक अकल का काम लिया करो कुरान शरीफ खुद पढ़िया करो उसे गौर कराया करो बहुत खूब जड़िया हदीसा पुरानी आयात के मुहालफ ने उन्होंने तुम छड़ दो जड़िया पुरानी आयात के मुताबिक रखियां ने सुनते जी रसूल मुताबिक रख रहे मुताबिक रखियां ने उन्होंने बारे गौर कराया करो बहुत खूब बहुत ठीक है शुक्रिया ना। थोड़ा सर हाँ तुसी अपना कीमती टाइम दिता जी थोड़ा शुक्रिया तुम हाँ मैंने जी मौका करना दिता फिर फिर भी दोबारा इंशाल्लाह रबता रहे जजाकअल्लाह अपना ख्याल रखना ना जी जबरदस्त तरीके ना दसिया कि स्पेशलिस्ट मौलवी बुलाए गए ताकि इन्हों दोबारा वापस लिया जाए तो स्पेशलिस्ट मौलवी के बारे में भी सुन लिया कि वो लड़के लैके आया 12-14 वो इस तरह तबलीग करते हैं कि जिस तरह मजहब दे जबर है और जबर है नहीं गा क्यों जी हाँ जी है ना तो जी अपना जी फिर ख्याल इस तरह रखना ही चलो अपना ख्याल रखना सब्सक्राइब जी करो साडे प्रोग्राम नू मिलेंगे जरूर अगले जजाकअल्लाह प्रोग्राम से अल्लाह हाफिज़ तुहाडा भी शुक्रिया जी बहुत अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।